हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हर रोज नमस्ते भारत में हम आपको कोरोना की दवा को लेकर अपडेट देते हैं, कहां वैक्सीन पर काम हो रहा है, कहां ह्यूमन ट्रायल तक काम चला गया है और कब तक आ सकती है कोरोना की दवा, भारत कहां पर पहुंचा है इस मोर्चे पर, इसकी अपडेट जान लीजिए। हमने नमस्ते भारत में कई बार आपको अमेरिकी दवा रेमडेसिविर के बारे में जानकारी दी है। अब इस दवा का उत्पादन भारत में भी होगा, लेकिन जान लीजिए ये दवा वैक्सीन नहीं है। ये दवा उन गंभीर मरीजों पर इस्तेमाल की जाती है जिनके जो लक्षण हैं वो काफी ज्यादा हैं। अमेरिका की दवा कंपनी ग्लियड साइंस और भारत की दवा कंपनी हेट्रो लैब और सिप्ला लिमिटेड के बीच कोरोना के इलाज की दवाई बनाने का करार हुआ है। हेट्रो लैब इस दवा को भारत में कोवी-4 के नाम से बेचेगी, जबकि सिप्ला कंपनी की दवा भारत में सिप्रेमी के नाम से मिलेगी। दवा के एक डोज की कीमत भारत में 5,000 से 6,000 रुपए के बीच हो सकती है। इससे पहले भारत की दवा कंपनी कैडिला ने दावा किया था कि उसे भी रेमडेसिविर दवा बनाने का लाइसेंस मिल गया है। रेमडेसिविर दवा कोरोना के इलाज में कैसे काम आती है, सुनिए इंडियन मेडिकल काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष के अग्रवाल। ये दवाइयाँ मेरे शरीर में जाके वायरल लोड कम कर देंगी, जिससे मेरी सीवियरिटी ऑफ डिसीज कम हो जाएगी। सीरियस डिसीज मॉडरेट हो जाएगी, मॉडरेट माइल्ड हो जाएगी और माइल्ड डिसीज एबॉर्ट हो जाएगी। फेविपिराविर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए है और रेमडेसिविर मॉडरेट टू सीवियर केसेस। अगर किसी को एकदम से ऑक्सीजन लेवल लो हो गया और उसको इमीडिएटली ऑक्सीजन लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन और रेमडेसिविर दे दी जाए तो उसको कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना कम हो जाती है। ये कोरोना का निर्णायक इलाज नहीं है। दवा कोरोना के गंभीर मरीजों की स्थिति सुधारने में इस्तेमाल की जाती है।